सर आज बताइए, राजोदा रोड पर धरना प्रदर्शन क्या है? आज दिल्ली में बैठे हमारे किसान भाइयों की हितों की रक्षा के लिए काले कानून के खिलाफ हमने आज ग्राम राजोदा के सेठी जी के खेत के सामने धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम का आंदोलन करने का संकल्प लिया है। हम हमारे किसान भाइयों को हाथ मजबूत करने के लिए देवास में सिपरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा किसानों के हित में, क्योंकि किसान भाई दिल्ली में बैठे बॉर्डर पर उनकी मौतें हो रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के काले कानूनों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमारा निवेदन है कि वो किसानों के हित में तीनों काले कानून का निर्णय वापस ले। किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? आगे अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमें जो आदेश प्राप्त होंगे हम उनका पूरी तरह से किसान लोग उसका आंदोलन का समर्थन करेंगे। आपका नाम बताइए। तंवर सिंह चौहान, किसान नेता एवं अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिपरा ग्रामीण देवास। बताइए आज चक्का जाम करा है क्या है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में चक्का जाम का आयोजन किया गया है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। पिछले दिनों ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, आज हमने जो यहाँ पर जो किसान मुख्य सड़क से आते हैं यहाँ पर चक्का जाम किया है। और निश्चित रूप से आज चूँकि देवास के आसपास चारों तरफ से नेशनल हाईवे निकलते हैं, इसीलिए वहाँ पर आम जन को परेशानी न हो। हमारा मकसद केवल और केवल किसानों के हित में बात रखना है, सरकार को बताना है कि कांग्रेस कमेटी देवास किसानों के हित में अपनी बात यहाँ देवास में रखने जा रही है। हम आग्रह करते हैं मोदी जी से, अपनी हठधर्मिता छोड़ें। जो काले कानून आपने बनाए हैं, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कब जागोगे मोदी जी? उन किसानों के सम्मान में आज सारा कांग्रेस कमेटी यहाँ पर चक्का जाम करने उतरी है। आज यह एक तीसरा आंदोलन है, थोड़े दिन बाद एक नया आंदोलन और होगा जिसकी बहुत जल्दी घोषणा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने वाली है। तब तक सतत आंदोलन चलते रहेंगे जब तक ये तीनों कानून मोदी सरकार वापस से नहीं लेती है। ये मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रहेगा आपका? लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमें निर्देश मिलते रहे हैं और आगे भविष्य मिलते रहेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक चरणबद्ध तरीके से, गांधीवादी तरीके से हिंसक आंदोलन न करते हुए अहिंसा के रास्ते पर जो बापू ने हमें चलने का मार्ग प्रशस्त किया है, उस रास्ते पर चलकर हम काले कानून वापस कराएंगे।